हेलो फ्रेंड्स, नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा आठवीं का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय है भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। यस, देखो बेटा, हमारे भारत देश, आप सभी को पता है हमारे भारत देश में यूरोपीय प्रजा कैसे आए, कौन कौन सी प्रजा भारत में आई, इसके बारे में इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। आपको पता है, आपने सुना भी होगा, बहुत बार कहते हैं कि हमारा भारत देश को किस नाम से जानते थे, सोने की चिड़िया के नाम से। और आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है ना अग्रिम पंक्ति पर कौन सा देश खड़ा था, भारत। संसार में यह हमारा देश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित होते रहे थे। बाहर जो यूरोपीय देश है, देश विदेश के लोग, सारे लोग हमारी संस्कृति से, हमारी यहाँ की सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए आतुर थे। मतलब बाहर बाहर के देश वाले लोग हमारे यहाँ आते थे क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए। और यहाँ आकर वो क्या करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे। जबकि इसके पहले विस्थल मार्ग से यहाँ पर विदेशी व्यापार क्या करने के लिए, व्यायवा सीमा से आते और व्यापार करते थे। पहले क्या हुआ करता था बेटा, स्थल मार्ग। स्थल मार्ग आपको पता है ना, यस, जैसे हमारी बसें चलती है, ये स्थल मार्ग है, ट्रेन चलती है, कौन से मार्ग पर चलती है, स्थल मार्ग पर। तो स्थल मार्ग से यहाँ पर आते थे और क्या करते थे, व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे, परंतु तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपोल जीत लिया। तुर्कू जो एक धर्म के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था वो जीत लिया, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ गया के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार क्या हो गया, रुक गया। जिसके कारण यूरोपीय देशों में भारत की चीज वस्तु जैसे रेशम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च, मसाले, तेजपत्ता आदि की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोपियों के अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए क्या किया, जलमार्ग की खोज की योजना आरंभ की। देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, अब इसको इस मैप के द्वारा हम समझते हैं। पहले क्या हुआ करता था, स्थल मार्ग हुआ करता, और स्थल मार्ग से क्या हुआ करता था, यस, सामानों की हेर फेर हुआ करती थी। जैसे अभी हमने देखा था ना, रेशमी कपड़ा, सूती और कपड़ा, मलमल, मिर्च, ये। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो तुर्क स्थानीय यानी कि तुर्क के लोग थे, उन्होंने जो कॉन्स्टेंटिनोपोल जो जगह थी बेटा, उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और ये पूरी जगह को क्या कर दिया, तुर्की वालों ने घेर दिया। और यहाँ से जो माल का हेर फेर हो रहा था, यानी कि सामान का हेर फेर हो रहा था, वो रोक दिया। अब जब सामान आना जाना बंद हो जाएगा तो अब क्या करना पड़ेगा, समस्या आएगी कि नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या किया, स्थल मार्ग रुकने के बाद उन्होंने क्या किया, एक नया मार्ग खोजा। और वो नया मार्ग कौन सा था, जल मार्ग। जल मार्ग क्या होता है, यस, जल मार्ग मतलब बड़े बड़े समुद्र जो है, जल मार्ग के द्वारा इधर उधर जाने के लिए उन्होंने क्या की, योजना बनाना प्रारंभ किया। समय बीतने के साथ साथ ही यूरोपियों के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जलमार्ग की क्या करने लगे, खोज करने की शुरुआत करी। यह तो आप देखा आपने, स्थल मार्ग तो क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब जलमार्ग के लिए अलग 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 नाविक आए थे यहाँ पर, और उन नाविकों ने क्या किया, जलमार्ग की खोज करी। तो सबसे पहले ये बीड़ा उठाने वाले कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन थे बच्चों, क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले उनके साहसिकों में से एक इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। कौन थे, सबसे पहला बीड़ा उठाने वाले कौन थे, कोलंबस। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है। पूर्व में जाने के लिए हमें कौन सी दिशा से, पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है। ऐसा क्यों विचार किया होगा, इस पर विचार करें। कोलंबस से 1942 के अंदर, कौन सी ईस्वी, 1942 में भारत आने
के लिए निकले, परंतु एक आकस्मिक रूप से अमेरिका जहाँ पहुँचे। कोलंबस आना तो कहाँ जा रहे थे बेटा, भारत, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए। जब तक जीवित थे तब तक वह स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानते रहा, मतलब जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनको बस यही लगता था कि मुझे कुछ भी करके हिंदुस्तान को क्या करना है, खोजना। हिंदुस्तान किसको कहते हैं बेटा, भारत का अपर नाम या उपनाम जो है वो कौन सा है, हिंदुस्तान भी है। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन या उसके किनारे के टापू को वेस्ट इंडीज़ के नाम से क्या जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले बेड़ा उठाने वाले कौन थे, तो आपको बताना है बच्चों, क्रिस्टोफर कोलंबस। फिर दूसरे जो नाविक रहे थे यहाँ पर कौन थे, वास्को दी गामा। वास्को दी गामा भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाले पुर्तगाल देश के निवासी वास्को दी गामा थे। देखो बेटा, पहले इटली के रहने वाले थे कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस, और वास्को दी गामा कहाँ के थे, आपसे पूछा जाता है प्रश्न, पुर्तगाल देश के थे। और सबसे पहले जलमार्ग की खोज करने वाले भी कौन थे, वास्को दी गामा। ये तो बीड़ा उठाने वाला बेटा, ये सफलतापूर्वक भारत नहीं पहुंच पाए थे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्रिस्टोफर भारत नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वास्को दी गामा सफलतापूर्वक कहाँ पहुंच पाए थे, भारत। जहाज उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिणी कैप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलदीव पहुंचा और हिंद महासागर में आगे चलता। हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्मजी नामक खलासी की मदद से, किसकी मदद से, याद रखिएगा, मोहम्मद मजीक नामक खलासी की मदद से 22 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय कालीकट के राजा कौन थे, जामोरिन वहां के क्या थे, कालीकट के राजा थे। जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की क्या दे दी, छूट दी। देखो बेटा चित्र में देखिए, ये कौन है, वास्को दी गामा, और ये कालीकट, ये बंदरगाह बेटा, है ना, बंदरगाह, देखा आप लोगों ने, ये बंदरगाह है। और इस बंदरगाह पर जो कालीकट जगह है, उस कालीकट जगह के राजा कौन है, ये दिख रहे, जामोरिन के पास जब वास्को दी गामा आते हैं तो उनको क्या दिया, ठीक है तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ऐसी वहाँ के राजा ने उनको क्या दी, अनुमति दी, हम कहते हैं परमिशन दी। ईस्वी 502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट पे कोठी की स्थापना की। क्या किया बेटा, 1502 के अंदर पुर्तगालियों ने क्या किया, वहाँ पर कोठी मतलब रहने की जो जगह होती है ना बेटा, पहले उसको क्या कहते थे, कोठी बनाने की स्थापना की। उसके चारों तरफ क्या किया, किला बनवाया, मतलब कोठी के चारों तरफ बड़े बड़े क्या लगवा दिए, किले बनवा कर अल्बुकर्क नामक एक सेनापति में उसका रक्षक नियुक्त किया। अल बुक कर उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में गोवा जीत गए। ये जो उनके जो सेनापति थे, उन्होंने 1506 में किसको जीत लिया, गोवा। गोवा आपको पता है ना बेटा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और सबसे पहले पुर्तगालियों ने आए और पुर्तगालियों ने क्या किया, हमारे भारत देश के एक राज्य को क्या कर दिया, जीत लिया। 100 वर्षों तक, कितने, 100 ईयर तक पुर्तगालियों ने मेलगोर, कोचीन, लंका, दीप, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना क्या करने लगे, नियंत्रण करने लगे। देखा बेटा आपने कैसे बाहर के देश वाले विदेशी लोग हमारे भारत में आए और धीरे 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 क्या करने लगे, अपना शासन शुरू करने लगे। पुर्तगाली शासन का अंत, और ये कौन से थे विदेशी थे बेटा, पुर्तगाली, याद रखिएगा कौन से थे, पुर्तगाली। और कितने साल तक इन्होंने भारत में रहे थे, 100 वर्षों तक, वेरी गुड। पुर्तगाली शासन का अंत, अब ये पुर्तगाली कितनी शताब्दी तक रहे थे, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। इस समय मुगल बादशाह शाहजहाँ दिल्ली के गद्दी पर थे। आप लोगों को पता है ना शाहजहाँ आपको पता है ना बेटा, अकबर, आपने सुना होगा ना, अकबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र अकबर के पुत्र कौन थे, शाहजहाँ। और दिल्ली पर किसका शासन चल रहा था उस टाइम, शाहजहाँ की।
बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की शिकायत करी। शाहजहाँ के पास जाकर बताया कि पुर्तगाली जो है वास्तु दी गामा वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे। ऐसे शिकायत जाकर किससे करी, शाहजहाँ से। परिणाम स्वरूप शाहजहाँ के आदेश से पुर्तगालियों को हुगली की कोठी को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। उनकी जो कोठी थी ना, जहाँ पर वो रहते थे, उनकी कोठियों को क्या कर दिया बेटा, तोड़ दिया। और उनकी जहाजी बेड़ों को भी जला दिया। उनकी बड़ी बड़ी जो जहाजें हुआ करती थी, उनकी बेड़ों को भी जला दिया। इस तरह पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। और इस तरह से पुर्तगालियों का क्या हुआ, अंत हुआ। पुर्तगालियों का शासन केवल दीव, दमन और गोवा तक ही क्या था बेटा, सीमित था। तो आपने देखा सबसे पहले कौन आए थे भारत के अंदर, पुर्तगाली। उसके बाद दूसरी जो प्रजा भारत के अंदर आई थी वो कौन सी थी बेटा, डच प्रजा। कौन सी प्रजा, डच। पुर्तगालियों के आगमन के बाद 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड, वर्तमान में इसको क्या नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, डच। डच प्रजा आई थी। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था, पुलिकट, जो कि मद्रास, पुलिकट और मद्रास, वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, मद्रास को चेन्नई के नाम से, उन्होंने कोठियां स्थापित की थी। 1663 में आगरा में भी उन्होंने कोठी स्थापित की थी। आगरा आप लोगों को पता है ना बेटा, वहाँ पर अपनी कोठी स्थापित की थी। उसी समय अंग्रेज भी भारत में आए थे। डच अंग्रेजों के सामने स्पर्धा में टिक ना सके। अब देखो बेटा, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच। डच लोग ले कहाँ पर, आगरा में अपना शासन किया, लेकिन ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं पाए। क्यों, क्योंकि उसी समय भारत में कौन आए थे, अंग्रेज। और जब कंपटीशन बढ़ा है ना पुर्तगाल, ये डच लोगों का और अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने क्या किया, डच वालों को हरा दिया। तो अब हमारे भारत देश में कौन आए, अंग्रेज। वेरी गुड। भारत पर अंग्रेजों की नजर। ईस्वी सन 1600 में याद रखिएगा, इंग्लैंड की रानी कौन थी बेटा, एलिजाबेथ के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कौन से सन में, 1600 ईस्वी में किसकी, रानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत के साथ साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत आपको पता है ना गुजरात के अंदर बेटा, बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम जो अंग्रेज थे उसका नाम क्या था, हॉकिंस। इस जहाजी बेड़ा के क्या थे, कप्तान थे। और वह जागीर से मिला, परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। पहले क्या हुआ करता था बेटा, हमारे भारत देश में भी शासन चल रहा था ना, यस, मुगल बादशाह का शासन चल रहा था। शाहजहाँ के पुत्र कौन थे, जागीर। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को अनुमति नहीं दी, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उसके बाद आने पर सर टॉम्स रो ने जहांगीर से मिले, सूरत में व्यापार करने की अनुमति क्या कर ली, प्राप्त कर ली। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहाँ बैठ गए और शाहजहाँ ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। अब धीरे धीरे अब व्यापार करने कौन रख गया हमारे भारत देश में, अंग्रेज। वेरी गुड। अब अंग्रेज के बाद और कौन से यूरोपीय लोग हमारे भारत में आए थे, फ्रांसिस। फ्रांसिसो ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की थी, स्थापना दी। कंपनी मतलब समझते हो ना बेटा, इन्होंने अपनी एक होता ना, एक बैठक होती एक तरह की, तो उन्होंने अपनी कंपनी का निर्माण किया जिसमें उन्हीं के सारे लोग थे। तो कौन सी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी, 1664 में। फ्रांसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पांडुचेरी पर, देखो कहाँ कहाँ पर, सूरत, मछलीपट्टनम, पांडुचेरी में क्या किया, अपनी कोठी की स्थापना की। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी जो था उसे क्या कहते हैं, डुप्ले, जिस भारत में यूरोपीय शासन की विस्तार करने की इच्छा हुई। इस तरह यूरोपीय प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे से क्या करने लगी, स्पर्धा करने लगी। अब कौन है भारत देश पे दो व्यापारी, कौन कौन से बेटा, विदेशी यात्री कौन कौन से, एक तो अंग्रेज है और फ्रांसी। तो ये दोनों आपस में क्या करने लगे, कंपटीशन होने लगा। वो चाहता है कि मेरा व्यापार बढ़े, फ्रांसिस लोग चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े, और आपस में दोनों के बीच में क्या होने लग गया,
स्पर्धा होने लगी, कंपटीशन होने लगा। यस, और उनमें बहुत संघर्ष क्या होती है, लड़ाई होती है, खूब लड़ाई होती है व्यापार करने के लिए। और जिसमें क्या होता है आपको पता है, अंत में अंग्रेज जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। परंतु फ्रांसियो के पास अंत में पांडुचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि बहुत सारे केंद्र क्या हो गए थे, बच गए थे। तो अभी आपने देखा कि कैसे कौन जीत जाता है, अंग्रेज। अभी शासन किसका है सबसे ज़्यादा, अंग्रेजों का। यस, बंगाल, बंगाल आपको पता है ना बेटा, बंगाल की खाड़ी भी आपने सुना होगा। यस, तो बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे, हमारे भारत देश पर व्यापार करना शुरू किया। और 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की क्या की थी, शुरुआत की। कौन सी नदी के पास बेटा, हुगली नदी। और ये हुगली नदी कहाँ से बहती, कलकत्ता से बहती है। अपनी कोठियाँ स्थापित की और उन्होंने क्या किया, चारों तरफ अपनी कोठी बनाई, उसके चारों तरफ क्या किया बेटा, किले बनवाए, अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे। और मुगल बादशाह औरंगजेब, देखो बेटा ये सारे, हाँ एक तरफ मुगल बादशाह हमारे भारत में थे ना, बिल्कुल। औरंगजेब के पास उन्होंने क्या किया, वार्षिक खिराजा यानी कि रकम के बदले में चुकाव बिना व्यापार करने की क्या ली, अनुमति ली। अब देखो अंग्रेज लोग कितने हम कह सकते हैं कितने होशियार थे, कितने समझदार थे। वो क्या कह रहे, हम व्यापार करेंगे भारत में, लेकिन बदले में हम कोई रकम यहाँ पर नहीं चुकाएंगे। ऐसा इन्होंने क्या रखा, प्रस्ताव रखा। आगे देखते क्या होता है। देखो चित्र में देखिए बेटा, ये अंग्रेजों के जहाज और उनकी ये सारी कोठियाँ। ये देखो ये कोठी है, ये क्या है बेटा, जहाज। यस, अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। और इस तरह से क्या हुआ, अनुमति दे दी। और वो क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, पैसे कमाएं। बंगाल के कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा से केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट मिली, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार भी नहीं कर सकते, जिसमें बंगाल में होने वाले कर की आय कम हो गई। और जिससे बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने क्या किया, इसका विरोध किया। क्यों, उन्होंने कहा कि भाई हमें कर नहीं मिल रहा है, अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर व्यापार कर रहे हैं और बदले में हमें कोई कर नहीं दे रहे। कर मतलब होता है बेटा टैक्स, है ना। कोई भी चीज़ अगर हम काम करते तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, वैसे ही अंग्रेज यहाँ आकर का व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन वो मुगल बादशाह औरंगजेब को कोई टैक्स नहीं दे रहे। तो उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। किसने, बंगाल के नवाब। किस बंगाल के नवाब कौन थे, मुर्शिद अली खान ने। यह विवाद दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। और अंत में क्या होता है, अंत में ये होता है 1757 में क्या होता है बेटा, पलासी का युद्ध होता है। यस, तो आज के अध्याय के अंदर हमने जाना कि भारत में यूरोपियों का कैसे आगमन हुआ, कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ पर आए। तो सर्वप्रथम कौन आए थे, पुर्तगाली। 100 साल तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद कौन आए बेटा, डच। डच कुछ ही समय तक वो शासन कर पाए। और उसके बाद कौन आते हैं, अंग्रेज। अंग्रेज, अंग्रेज के बाद कौन आते हैं, फ्रांसिस। अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में क्या होता है, स्पर्धा होती। और अंत में किसकी विजय होती, अंग्रेजों की। हाँ, और अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे 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 भारत पर शासन करना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने क्या शर्त रखी कि हम व्यापार तो करेंगे लेकिन तुम्हें कोई कर वसूल नहीं करेंगे, मतलब कोई कर नहीं देंगे। और इस सब को देखते हुए यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होता है। तो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेटा कौन कौन से युद्ध होते हैं, युद्ध में किसकी विजय होती है, इन सब के बारे में हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।